देश भर के राज्यों में गर्मी पूरे सबाब पर है। लोग मानसून की बारिश का इंतजार कर रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने की उम्मीद है। IMD ने कहा कि मानसून की स्थिति लगभग सामान्य है। अगले कुछ दिनों में मानसून के उत्तर भारत भी पहुंचने की उम्मीद है। IMD के महानिदेशक एम महापत्र ने कहा कि एक बार जब मानसून की उत्तरी सीमा अगले सप्ताह तक मध्य भारत के कुछ हिस्सों तक पहुंच जाएगी तो ये आधे देश को कवर कर लेगा। मानसून द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों में हीट वेव से राहत मिल जाएगा। जून में बारिश की मात्रा अब तक सामान्य बनी हुई है। मानसून आमतौर पर 10 से 11 जून के आसपास बिहार में दस्तक दे सकता है। मानसून मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। मानसून कर्नाटक के अधिकांश भाग, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ और हिस्सों, पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्से और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्से तक प्रवेश कर जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की उत्तरी सीमा रत्नगिरी, सोलापुर, मेढक, विजयनगरम और इस्लामपुर से होकर गुजर रही है। IMD ने कहा मध्य अरब और सागर के कुछ और हिस्सों, कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश के शेष हिस्से, महाराष्ट्र के कुछ और, तेलंगाना, दक्षिण छत्तीसगढ़ और दक्षिण ओडिशा, बिहार के कुछ हिस्सों से मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना।